हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी असल में जब मैं पाकिस्तान चला गया था तो मेरी जो बैंक अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया था। तो आज मैं कल यहाँ पर आया हूँ और आज अपना यूनिवर्सिटी अकाउंट खोलने के लिए दोबारा यहाँ पर आ गया हूँ। तो यूनिवर्सिटी आया हूँ लेकिन यूनिवर्सिटी के हालात कुछ बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग है, कोई है ही नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर। सब्र मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम मैं जा रहा हूँ तो यहाँ के कस्तूरे ऑफिस। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हुआ था अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। मेरा अकाउंट जब मैं पाकिस्तान चला गया था तो वहाँ पर ब्लॉक हो गया था, तो उस वजह से अब अकाउंट का काम तो हो गए। अब जाता हूँ कस्तूरे की तरफ, वहाँ पर भी एक काम है। सबसे बड़ा मसला जो आपको यहाँ पर फेस होगा वो बस लैंग्वेज है। अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में ही था और मैं उन्हें कह रहा था कि मुझे किसी फोटो स्टेट शॉप का पता बताए, और वो उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि ये कह रहा है कि मुझे अपने बैंक में डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और मैं वो आप कहाँ पर दूँ। और मैं उन्हें कहना चाह रहा था कि मैं मुझे फ़ोटो स्टेट करना है, मुझे कोई फ़ोटो कापी मशीन की दुकान बताए। तो ये होता है, एट द एंड वो समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन यह है कि आपको ज़रा सी ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ है जो, मतलब अगर आप किसी नॉन यूरोपियन कंट्री आ रहे हैं तो ये मसला आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। इट हैज़ बीन मोर देन एन आवर सिंस आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। बस मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बस आई है दो दफ़ा आई है और दो दफ़ा चली गई। अब कोई तकरीबन 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये मेरी बस आई है। मज़ा करे कि अब खड़ी भी ना हो। Thank you.
और चूँकि दोपहर का टाइम है तो इस टाइम जो है तो बस 2 बसों के दरमियान में जो फासला है वो ज़रा ज़्यादा होता है, मतलब दे कम आफ्टर सम टाइम, वरना नॉर्मली जो है तो हर 5 या 10 मिनट बाद जो होती है तो एक बस आ रही होती है। लेकिन चूँकि गर्मी के टाइम दोपहर का टाइम है और दूसरी बात यह है कि संडे भी है, तो इस वजह से आज ज़रा बस के आने में टाइम है, तो इस वजह से मेरे कोई 20 मिनट हो गए हैं कि मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता। यहाँ के मौसम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखें अभी तक कैसी धूप थी, ये मुझसे कड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और आप देखें आउट ऑफ सडन क्लाउड्स केम है, यही चीज़ है, थोड़ी देर बाद बारिश भी हो। तो आफ्टर अनसक्सेसफुल ट्रिप टू बाई एयरपोर्ट्स अब हम वापस घर की तरफ